तो पेंडुलम अगर सर्कुलर मोशन में है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसको समझते हैं। रूल नंबर वन, मान लो ये आपके पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम की जो लेंथ है, बनाते जाओ साथ साथ, इस पेंडुलम की लेंथ एल है, एल है, बनाते जाओ। ठीक है, एल है। सपोज ये पेंडुलम को मैं यहां पे ले आया, तो यहां पे ले आया, इसका मास क्या है, एम है। ठीक, तो मैं कितना दूर ले आया, सपोज मैं ले आया इसे थीटा एंगल दूर ले आया, थीटा एंगल दूर ले आया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लोएस्ट पॉइंट पे ले लेना चाहिए, आपको बताना है ये हाइट कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाइट इन टर्म्स ऑफ एल, ये हाइट क्या होगी। तो एल माइनस, नहीं एल माइनस, ओके देखो पता नहीं कैसे एल माइनस एम जी कैसे होता है भाई, एल एल होता है, एम जी होता है, फोर्थ लेंथ में फोर्थ ना माइनस होती है। ये देखो आप एक ट्राइंगल बनाओ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई ये, 90 डिग्री। तो मुझे पता है ये लेंथ भी पेंडुलम की क्या है, एल, अगर ये एल है तो ये भी एल है। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बता दूं कि ये डिस्टेंस एक्स है, मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स डिवाइडेड बाय एल, तो एक्स क्या आएगा, एल इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये हाइट क्या आएगी, ये हाइट क्या आएगी, टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी है, एल में से क्या माइनस करना है, एक्स, तो क्या आएगा, एल माइनस एक्स का मतलब एल कॉस थीटा, या फिर एल कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये वन टाइम रिजल्ट है एच निकालने का, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये सर्कुलर मोशन में 10 बार, वर्क एनर्जी पार के चैप्टर में कम से कम 10-15 बार यूज होगा। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा हर क्वेश्चन में 20 बार कि ये एच कैसे आया, एच कैसे आया, तो सीधा याद करो ये एच कैसे आएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये नोट करो प्लीज। तो आज के दम सीधा इसे लगाएंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक है यहाँ तक, तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि एच कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, पेंडुलम के अंदर सपोज, नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम, ये जो है पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी इसकी कौन सी पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब बिल्कुल कॉर्नर, इसके ऊपर पेंडुलम नहीं जाएगा। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन का नाम क्या है, मीन पोजीशन, या फिर दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि पेंडुलम बाय नेचर यहां पे रेस्ट पे रहना चाहता है। तो जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, यहां पर भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि पेंडुलम यहां जाता है, रुकता है, फिर वापस आता है, तो यहां रुकता है फिर जाता है। तो जब यहां से रिलीज किया जाता है, वेलोसिटी जीरो, इंक्रीज 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 इंक्रीज, और यहां पर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम, फिर डिक्रीज 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 और जीरो, फिर इंक्रीज 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 मैक्सिमम और फिर जीरो। तो ये पॉइंट भी याद रहेगा यहां तक। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो और मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, ये सेकेंड पॉइंट नोट करें।
नेक्स्ट, किसी भी पेंडुलम की प्रॉब्लम में, नेक्स्ट ये नोट करो, किसी भी पेंडुलम की प्रॉब्लम में सपोज ये मास, ये बॉब है, और सपोज ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ पे आया, मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना, 30 डिग्री. लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है. सपोज करो मैंने इस पेंडुलम को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी u इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो मैंने ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी दे दी u 2 मीटर पर सेकेंड. पेंडुलम ऊपर 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 जा रहा है, अभी और ऊपर भी जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन का ही ऊपर है. अभी रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v. आपको निकालना है v की वैल्यू क्या होगी. तो पेंडुलम की प्रॉब्लम में एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की निकालनी है, या दूसरे पॉइंट की गिवन है पहले की निकालनी है. कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए वर्टिकल मोशन में या पेंडुलम में, जब एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन और दूसरे की निकालनी हो, तो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, और कोई तरीका नहीं है. पेंडुलम में एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन और दूसरी निकालनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन. कैसे, सबसे पहले बनाओ ग्राउंड कहां पर है. तो सपोज ये लोएस्ट पॉइंट को क्या मानेंगे, ग्राउंड. तो ये मान लेना आपने, ये आपका ग्राउंड है, ठीक हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम, ठीक है यहां तक. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है. तो स्टार्ट करते हैं, अगर ये ग्राउंड है तो बोलो यहां पर पोटेंशियल कितनी है, जीरो, जीरो है. काइनेटिक बोलो कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है. एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर अगर मैं पूछूं पोटेंशियल कितनी है, तो सबसे पहले आपको मुझे क्या बतानी पड़ेगी, इसकी हाइट क्या है. तो बोलो हाइट क्या है, 1 माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 30, याद है एल माइनस एल कॉस थीटा. तो स्ट्रेट पे हम यहां पर लगाएंगे, नहीं तो हमें ज्योमेट्री लगा के एच निकालना पड़ेगा, फायदा क्या है, हमने याद कर लिया एल माइनस एल कॉस 30. तो 1 माइनस 1 कॉस 30, ये एच आ गया. तो बोलो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या है, एम जी इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 30, और काइनेटिक की वैल्यू यहां पर क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, राइट. तो इन्हें इक्वेट करते हैं, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है इज इक्वल टू एम जी, 1 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 30 प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर. एम 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 कैंसल, सिर्फ वी मिसिंग है, बाकी सब कुछ गिवन है. वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. मेथड समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकलेगी. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल्स को मुश्किल करती हैं सर्कुलर में, कि कौन यहां वेलोसिटी निकालेगा. तो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट पेंडुलम के पहले से ही पता होंगे, आपको सिर्फ अप्लाई करने हैं, दैट्स इट. और नोट्स तो बनाते जा रहे हो आप इसमें, ठीक है, यहां तक ऑनलाइन क्लियर है. यस. ठीक है, नेक्स्ट, सपोज करो आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये बॉब है. ये पेंडुलम को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले गए कुछ ऐसे, एट एन एंगल ऑफ कितना, 90. तो यहां से रिलीज करना है इसे. जब आप इसे रिलीज करेंगे तो पेंडुलम यहां से आता 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 कहां पर आएगा, नीचे आएगा और ऐसे पास करेगा, ठीक है, ऐसे पास करता हुआ जाएगा. तो आपको यह बताना है कि अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ऑब्वियस लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है, तो आपको यह बताना है कि पेंडुलम यहां से जब पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और यहां से इसको रेस्ट से रिलीज किया तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो. क्वेश्चन वैसा ही है ना, कि एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की निकालनी है, तो क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन. बनाओ ग्राउंड और निकालो.
क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बनाएंगे इसमें ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड। इस ग्राउंड में सबसे पहले यहां पर क्या लेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और ऐसे यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू एग्जैक्टली सेम। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर, एम जी, हाइट क्या है वन, क्योंकि ग्राउंड से हाइट क्या है वन, और काइनेटिक क्या है यहां पर जीरो। इक्वेट करें, एम जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके वी क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच, एच क्या है यहां पर वन, यानी कि अंडर रूट ऑफ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। और सच बताऊं, ये सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये अगला चैप्टर है जिसका नाम नाम क्या है, वर्क पर एनर्जी। बस यही है, वर्क पर एनर्जी यही चलेगा उसमें। आधी प्रॉब्लम उसमें ऐसी है, आधी क्या, आधा तो अभी खत्म ही हो गया, उसमें कुछ ना करना, उसमें फटाफट चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कि करना क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सीख ही ली इसमें, बात ही खत्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पेंडुलम है, मैंने फिर से एक बार पेंडुलम को यहां से रिलीज किया, यानी कि यू इज इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है। इस बार मैं ये करूंगा कि ये पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है अभी रास्ते में नीचे आ रहा था, ठीक है, यहां से यहां से यहां नीचे आ रहा है, तो ये यहां से चल के नीचे आया, तो आपको ये बताना है कि यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। एंगल, एंगल ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री नीचे उतर आया ये, तो आपको बताना है कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां कहां लगाएंगे, यहां और यहां नहीं, यहां और यहां, हाँ, क्योंकि एक वेलोसिटी के बना और दूसरी निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे एट पॉइंट नंबर वन एंड एट पॉइंट नंबर टू। तो वी निकालना है, वी निकालो, लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, आंसर बोलो क्या होगा। इतना आंसर आया, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल है, चलो ठीक है, अंडर रूट में बोल दो, अंडर रूट में क्या आया, क्या किया, ग्राउंड लिया, अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, लगेगी क्या, यहां पे लिखा कि इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम रहेगी, क्या है सबने लिखा, यहां तो ठीक है ना, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन में, क्या लेना, ग्राउंड को लेना। बोलो ग्राउंड कहाँ लें, आपकी मर्जी, जहां मर्जी होगी वहां ले लेंगे, यहां लें, यहां लें, यहां बेटर है कि यहां बेटर है, नीचे बेटर है, पर यार क्वेश्चन तो यहां पे आता था खत्म ही हो गया, नीचे चाहे जितना मुझे, हमें क्या लेना देना। तो आपको ग्राउंड, ऐसा नहीं कि यहां पे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां भी ले सकते हैं, पर क्यों झमेले में पढ़ना नीचे के, आप ग्राउंड यहीं पे ले लो, बस यही मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसके बाद कहाँ जा रहा है मेरे को मतलब नहीं है कोई भी, मेरा आंसर आ गया तो यहीं ले लो, हालांकि नीचे लेके भी सेम आंसर आएगा, तो यहाँ ले लो। इससे पता क्या फायदा होगा, सीधा पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, और अगर मैं ना लेता ग्राउंड नीचे लेता, फिर आपको एम जी एच कैलकुलेट करना था, फिर आप एच पूछते क्या है, इसे आसान हो गया। काइनेटिक बोलो यहाँ पर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक क्या है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है। अब यहां पोटेंशियल बोलो क्या है, एम जी, हाइट बोलो क्या है, कितने लोग बोलते हैं एल माइनस एल कॉस थीटा, नहीं बोलते नहीं, फिर क्या है बोलो, हाइट बोलो, एल माइनस एल कॉस थीटा, कितने लोग एग्री करते हैं, यस ठीक है, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, वो ये हाइट थी, कॉपी चेक करो वो ये थी, इस बार तो ये निकालनी है भाई, ऐसे रट्टे नहीं मार सकते ना, जान के क्वेश्चन चेंज किया मैंने, मुझे पता था एल माइनस एल कॉस थीटा आएगा, तो मत करो भाई, ये नहीं पूछा, ये पूछा है, ये पूछने का मतलब है, ये देखो, ये पूछने का मतलब है ये पूछना। अब ये हाइट तो आसान है ना, ये टोटल हाइट कितनी है, पूरी 1 मीटर है, पर आपको क्या निकालनी है, आपको सिर्फ ये निकालनी है ना, ये वाली, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो 1 मीटर है, तो ये हाइट क्या होगी, ये वाली, मान लो ये एक्स है, तो cos of 30 will be equal to x divided by 1, तो x क्या आएगा, cos of 31 cos 30 आ गया, तो यही तो हाइट चाहिए आपको, mg into कितना, 1 into cos of 30, तो इक्वेट करेंगे, mg into cos of 30 is equal to half into m into v का square, m से m cancel, निकाल लेना यार जो भी निकालने आंसर है, तो पॉइंट समझ में आया, बस यही खेल खेलेगा वो एनर्जी में और सर्कुलर में, कभी वहां पूछ लेगा वेलोसिटी, कभी यहां पूछता रहे, ज्योमेट्री नहीं भूलनी आपको, ग्राउंड के साथ हाइट देखनी है, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, मेडिकल के स्टूडेंट्स सौम्या और बाकी मेडिकल के स्टूडेंट्स सुन लें, चंडीगढ़ में आज तक जितनी भी मेडिकल के एडमिशन हुई 582 से ऊपर कभी स्कोर गया नहीं, 32 सेक्टर का चंडीगढ़ कॉलेज मिल जाता था। हम ये बोलते थे पंजाब में चाहिए 600+, हरियाणा में चाहिए 600+, तब एडमिशन स्टार्ट होती है MBBS की। चंडीगढ़ में इसलिए आसानी से मिलती थी या कम स्कोर पर मिलती थी, चंडीगढ़ छोटा है तो 10th, 9th, 10th, 11th, 12th होना ज़रूरी है वहाँ से, तो वहाँ सीट्स जो हैं वो थोड़ी कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है, हिमाचल में लो जाती है। इस बार कल काउंसलिंग खत्म हुई है, पहली खत्म हुई है, 606 कट ऑफ है, 565 पे भी एडमिशन हुई है मेडिकल की, 606 स्टार्ट हुआ है। अभी हो सकता है कल सेकेंड काउंसलिंग है, स्कोर नीचे जाएगा, बस वो आपका बेंचमार्क है, आप ये लगा के चलो 625 का टारगेट बना लो, 610, 615 अगर सेफ साइड जाना है, 625 का टारगेट बना के चलो, इतने लेने हैं, बात खत्म। आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेडिकल वाले, ठीक है, तो मतलब 625 के आसपास स्कोर लेना है आपको, जिसके लिए पहला रूल, बायो आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब बायो आपको आधा डॉक्टर तो बना ही देगी, क्योंकि 90 क्वेश्चन है ना, 90 × 4 = 360, 720 × 360 तो बायो ही है ना, तो अगर आपके मान लो 90 क्वेश्चन है, 360 में से 320, 330 भी आते हैं, आ जाते हैं बायो में तो नंबर इतने, तो आधा तो डॉक्टर बन ही गए, रह क्या गया, अब आधा रह गया, मिलके केमिस्ट्री और फिर कुछ तो करेंगे भाई, 150-200 कुछ तो लेके आओगे, तो केमिस्ट्री पे फोकस रखो, क्योंकि पहला सेगमेंट जो बच्चा अटेम्प्ट करता है नीट में वो बायो करता है, दूसरा केमिस्ट्री करता है, आखिरी फिजिक्स करता है, अगर वो दो सेक्शन ठीक नहीं है तो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचता, तो टाइम नहीं बचता तो फिर क्या करोगे, पेपर ही क्लियर नहीं होगा,
तो टाइम भी बचाना है क्योंकि परफेक्शन ज़्यादा चाहिए और न्यूमेरिकल सही भी करने हैं, तो जाके 625 क्रॉस होंगे, हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बायो एकदम स्ट्रॉन्ग रखो और बाकी तो चलो फिर भी काम चलाएंगे, प्रैक्टिस चाहिए उसके बाद। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, कहीं आप वहम में बैठे रहें, कोई नहीं, लास्ट टाइम ऐसा हुआ तो नहीं हुआ था। बाकी कल आपको अपडेट कर दूंगा एग्जैक्टली लास्ट एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है। उम्मीद है 575 टच करेगी द्वारा, सीट छोड़ते हैं ना बच्चे आगे आगे कॉलेजेस में, तो नीचे जानी चाहिए, तो नीचे गई तो ठीक है, 575 तो फिर नॉट बैड। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सौम्य, ठीक है ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स पता होना चाहिए ना टारगेट क्या है। चलो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट। सपोज ये आपका एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहां से चलता है, ठीक है, मैं रिलीज करता हूं, यहां से चलेगा नीचे आएगा। जब ये पेंडुलम नीचे आएगा तो आपको मेरे को आंसर देना है कि बताओ कौन सी फोर्स इस पेंडुलम को नीचे लेके आ रही है, मास इसका एम है, कौन सी फोर्स इसे नीचे लेके आ रही है, बोलो क्या आंसर देंगे, वैल्यू बोलो, एम जी, एम जी वेट नीचे लेके आ रहा है, नहीं क्योंकि वेट कहां ऐड करता है, वर्टिकली नहीं, वो तो नहीं, तो फिर क्या, और ये एंगल थीटा है, एम जी साइन थीटा नीचे लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है, वो तो सेंटीमीटर है, सेंटर की तरफ है, वो तो फोर्स कौन सी नीचे, एम जी साइन थीटा, चेक करते हैं, ये बताओ इसका वेट कहां ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी, ठीक है एम जी, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर लूं इस तरीके से सच दैट अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है, तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एम जी कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ कितना, एम जी साइन थीटा। तो मेरा क्या क्वेश्चन है कि ये पेंडुलम ऐसे आएगा, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, आंसर क्या है, एम जी साइन थीटा। क्या ये पहला आंसर क्लियर है? तो आज के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलेंगे, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा कितनी एक्सेलरेशन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, फाइंड दो क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड टेंजेंशियल, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब ये नीचे आ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा फाइंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान देते हैं, फाइंड टेंजेंशियल फोर्स, अगला फाइंड सेंट्रिपिटल फोर्स, ये दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। बोलो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल फोर्स कितनी है जो पेंडुलम को नीचे लेके आ रही है, कितने लोग बोलते हैं एम जी साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही, देखो आपको लग रही ना सर्कल के साथ टेंजेंट है ये, सर्कल के साथ टेंजेंट है ये, और हमने डिस्कस भी किया था वेलोसिटी क्योंकि पेंडुलम में इंक्रीज होती हुई नीचे आती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल फोर्स होगी, और टेंजेंशियल फोर्स क्या है जो टेंजेंट की तरह काम करेगा, टेंजेंट क्या है इसमें, एम जी साइन थीटा। बोलो इसका सेंटर कहाँ है पेंडुलम का घूमने का, सर्कल का सेंटर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक, इसको सेंटर मानते हुए पेंडुलम सर्कल में घूमेगा, इमेजिन करें पेंडुलम पूरा सर्कल घूम गया तो सेंटर तो ऊपर ही मिला ना, तो ये सेंटर है, तो टेंजेंशियल फोर्स में आंसर क्या देंगे, एम जी साइन थीटा, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोले, ओ जी साइन थीटा, हाँ सॉरी मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बोले, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके एक आंसर है एम जी कॉस थीटा, कितने लोग एग्री करते हैं ऑनलाइन, एम जी कॉस थीटा डायग्राम में बताना कहाँ जा रहा है आपको, यहाँ जा रहा है ना, और हमें फोर्स कहाँ चाहिए होती है टुवर्ड्स, देखो ये सेंटर की तरफ जा नहीं रहा, तो एम जी कॉस थीटा आंसर सही नहीं है, टी लेना चाहिए, ओके हमें टी लेना चाहिए, आप ऑनलाइन ये कह रहे हो टी लेना चाहिए, कितने लोग एग्री करते हैं, टेंशन होगी स्ट्रिंग में, टेंशन तो होगी यार, रस्सी है खींचेगी तो सही, ओके टेंशन लेनी चाहिए, ओके टेंशन ले लेते हैं। तो सपोज ये रही मेरी टेंशन, यहाँ से ये रही टेंशन टी,
और यहां से ये रिटेंशन की वैल्यू टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब बोलो कि अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी वी है, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वी है, तो बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इसमें क्या होगी, इक्वेशन क्या बनेगी? अब बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी टी की फॉर्म में? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स टी है क्योंकि टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है? यस कि नो? बट टी मार्क कर दें? नहीं, नो। टी माइनस एम जी कॉस थीटा ऑनलाइन, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, यस सर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कहां करती है? टुवर्ड्स, यहां पे सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी है? टी। लेकिन इसके ऑपोजिट कौन है? एम जी। लेकिन नेट फोर्स कहां आनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स कहां आना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ टी भी है और अवे फ्रॉम सेंटर एम जी कॉस थीटा है, तो नेट फोर्स क्या बनेगी? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। टी बड़ा होगा और एम जी कॉस थीटा छोटा होगा। क्लियर है? ये नेट फोर्स है टुवर्ड सेंटर और यही सेंट्रीपिटल है। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय एल, एल इज रेडियस। तो आज के बाद अगर कोई इक्वेशन टेंशन की फॉर्म में बनेगी तो ऐसी बनेगी पेंडुलम में। नोट कर सकते हैं। सर आपने जो फोर्स व्हिच ब्रिंग्स डाउन में टेंशन कंपोनेंट नहीं है जो एम वी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, बोलो सर जो आपने लिखा है फोर्स व्हिच ब्रिंग्स डाउन, उसमें उसमें भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए टी साइन थीटा? कहाँ लिखा? ब्रिंग्स डाउन, ब्रिंग्स डाउन, फोर्स व्हिच ब्रिंग्स डाउन। देखो जो फोर्स ब्रिंग्स डाउन है वो एम जी साइन थीटा है सर, टी साइन थीटा भी नहीं होना चाहिए साथ में, एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेंशन तो वेट की वजह से है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एम जी जो वेट का कंपोनेंट है वो बॉडी को नीचे लेके आ रहा है, बस ये बात है। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, अब ये बताओ कि सपोज आप एक ट्रेन में है, ये रही ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन सर्कल में घूम रही है, ये ट्रेन सर्कल में घूम रही है, कैसे? ये इसका सेंटर है, तो ये ट्रेन इस तरीके से सर्कल में, जैसे हम क्लास में नहीं है, हम ट्रेन में है और ट्रेन सर्कल में घूम रही है और सर्कल का सेंटर ये रहा, तो ट्रेन के पास कौन सी एक्सेलरेशन है बताओ? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। कितनी? ए सी, जिसकी वैल्यू क्या है? v square by r। मान लो ट्रेन सर्कल में घूम रही है विद वेलोसिटी ऑफ v, तो v के साथ घूम रही है आगे की तरफ, जैसे ट्रेन कैसे घूमेगी, एक डिब्बा ऐसे जाएगा गोल गोल, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होगी? v। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v और सेंटर यहां पर है। क्लियर है यहां तक? इस ट्रेन के अंदर रूफ के ऊपर हमने एक पेंडुलम रखा था, यहां ये बांध रखा है पेंडुलम, फिर पेंडुलम, पेंडुलम पीछे कहां छोड़ेगा? पेंडुलम। आपको ये पेंडुलम यहां मिलेगा थोड़ी देर में? नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? राइट की लेफ्ट? कितने लोग एग्री करते हैं कि पेंडुलम यहां कहीं आपको दिखेगा? दिखेगा। क्यों? सूडो फोर्स, क्योंकि ट्रेन की एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। इवन अगर आप यहां खड़े होंगे और फ्रिक्शन नहीं है, आप भी दीवार के चिपके मिलेंगे साइड में। तो मान लो ये एंगल क्या है? थीटा। इस बॉब का मास है m, तो बताओ सूडो फोर्स कहां एक्ट करेगी? अवे फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर ये रहा, सूडो फोर्स ये रही। कितनी? m मास ऑफ दिस बॉब इनटू v स्क्वायर बाय r, क्योंकि ट्रेन की एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्वेश्चन है कि ये यहीं पे इक्विलिब्रियम में रह गया, मतलब ये ट्रेन ऐसे घूम रही है मतलब कांस्टेंट स्पीड, वी चेंज नहीं हो रहा, और अगर वी चेंज नहीं हो रहा तो ट्रेन, ये पेंडुलम ऐसे ही रेस्ट पे दिखेगा आपको, ऐसे ही लटका दिखेगा और ट्रेन घूमती जा रही है, तो आपको इसमें इक्वेशन बनानी है क्या बनेगी ताकि रेस्ट पे रहे। सबसे पहले कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? एक तो ये फोर्स बॉब पे एक्ट कर रही है, दूसरी क्या एक्ट कर रही है? इसका वेट। और तीसरी क्या एक्ट कर रही है इसमें? टेंशन।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? टेंशन, और ये क्या है इसका वेट? एम जे. क्लियर है यहां तक? राइट. तो अगर ये रेस्ट पे है, तो पहला तरीका सॉल्व करने का, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें. वर्टिकल लाइन ये थीटा, तो ये कितना? थीटा. तो अगर ये थीटा, तो ये वैल्यू क्या आएगी? टी कॉस थीटा. और ये क्या आएगा? टी साइन थीटा. तो यहां से टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वेट एम जी. और टी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलो? एम वी स्क्वायर बाय आर. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है. इन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे 2/1, तो क्या आएगा? टेन थीटा, टी से टी कैंसल, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय कितना? एम जी. एम से एम कैंसल, तो टेन थीटा की वैल्यू वही रिजल्ट आ गया जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है. वी स्क्वायर बाय आर जी, वही स्टैंडर्ड है. चाहे साइकिल चला लो, चाहे प्लेन चला लो, चाहे ट्रेन चला लो. और यहां से ट्रेन की वेलोसिटी अगर पूछे, तो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. तो ट्रेन की वेलोसिटी इसके इक्वल होगी. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? नोट करना है, नोट कर लो. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
तो अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद पेंडुलम के ऊपर देख ही लिया आपने, कुछ भी नहीं है, वही बार 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 चीजें चल रही हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो। ये लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सपोज एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम ये यहां से यहां आएगा। सपोज करो ये एंगल थीट है, थीट है, और ये पेंडुलम नीचे आ रहा है। इस इंस्टेंट पर नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी वी है, नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी वी है। आपको ये बताना है यहां पर इस पोजीशन पर इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या है, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, नेट एक्सेलरेशन बताना है, और इसका मास एम है। बात बताओ ये नेट एक्सलेशन क्या है? क्यों नेट के पूछ रहा हूं? क्योंकि इसके पास दो एक्सलेशन होंगी। कौन सी? टेंजेंशियल एंड सेंट्रिपिटल। बोलो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या है? तो याद भी होगी होगी। हाँ कितनी? जी साइन थीटा, बिल्कुल सही। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जी साइन थीटा। सेंट्रिपिटल बोलो क्या है? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो यही था ना, टी माइनस एम जी अभी किया था हमने, और इक्वल टू क्या था? एम वी। तो ये क्यों बोल रहे हो भाई? यही बोल दो, यही बोल दो, इतना लंबा क्यों बोल रहे हो? वी दे तो रहा हूं, एल वी दे रहा हूं। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगी? वी स्क्वायर बाय एल। सही है ना? कोई डाउट इसमें? तो आपको इस क्वेश्चन में नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रिपिटल का स्क्वायर। टेंजेंशियल का मतलब जी साइन थीटा का स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल का मतलब वी स्क्वायर बाय एल का होल आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है?